स्क्रीन विजिबल है? गुड मॉर्निंग, स्क्रीन विजिबल है एक बार बता दें हम। Is it visible now? Yes. Okay, fine. चलो करते हैं स्टार्ट।
ऑफ द टॉपिक इज फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज है ना। एंड फर्स्ट पॉइंट, द फूरियर सीरीज इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पीरियोडिक सिग्नल है ना। फूरियर सीरीज इज ओनली पॉसिबल फॉर, फूरियर सीरीज एक्सपांशन इज ओनली पॉसिबल फॉर पीरियोडिक सिग्नल। सो हाउ यू डिफाइन द फूरियर सीरीज? The representation of any periodic signal in terms of harmonically related component रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पीरियोडिक वेव। सपोज आपके पास कोई भी ऐसा वेव है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एक्स ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी है ना, या मैं इसको लिख दूं एक्स ऑफ टी प्लस एन टी लेट से एक्स ऑफ टी प्लस एम टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ऐसा सिग्नल जो पीरियोडिक नेचर का हो, दैट सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट है ना। अभी हार्मोनिक्स की बात करेंगे, सो हार्मोनिक्स आर इधर साइन हार्मोनिक, कोसाइन हार्मोनिक, साइन हार्मोनिक, कोसाइन हार्मोनिक और डीसी। ये तीनों कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल। हाउ इट इज ऑर्थोगोनल? ऑलवेज द इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी साइन ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी इंटू डी टी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो है ना। तो पहली बात तो क्या कि हम इनको इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट बता सकते हैं। और हार्मोनिक्स मींस व्हाट? हार्मोनिक्स, हार्मोनिकल फ्रीक्वेंसी एफ एच इज एन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि अगर मैंने बोला कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो हार्मोनिक्स क्या हो सकते हैं? 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज आर द हार्मोनिक्स। सो फंडामेंटल है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक्स ना। मतलब अगर किसी फूरियर सीरीज में लेट
वन कंपोनेंट इज अवेलेबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेट एफ नॉट इज इक्वल एंड टू 2 हर्ट्ज है आपके पास, तो एफ ए उसमें कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 3 हर्ट्ज का नहीं हो सकता, जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो कितने होंगे 2 हर्ट्ज के मल्टीपल होंगे, दिस कंपोनेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फूरियर सीरीज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक वेव इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट एंड दिस हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। Orthogonal to each other. This harmonically related components are orthogonal to each other. मतलब Fourier series में कोई भी दो component का अगर आप integral निकालेंगे, common area निकालेंगे, तो that integral will be zero. तो how you define the Fourier series? We define the Fourier series like this. X of t. Again, this is time domain approach. हमने कोई transformation नहीं लिया है. So x of t, suppose, is a periodic function which satisfies that property. That property, then x of t can be represented as sum of some DC quantity प्लस, है ना, इट्स सम कोसाइन क्वांटिटी, कोसाइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी वन टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। मतलब क्या हुआ कि आप स्केल्ड मैग्नीट्यूड दिस ए वन एंड ए टू, ए वन एंड बी वन, और आई शुड से दिस आर ए एन एंड बी वन आर स्केल्ड मैग्नीट्यूड, कि भाई आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिविजुअली हर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टू डिजाइन द सिग्नल। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि लेट्स एक्सपांड दिस, x of t is a0 plus a1 cosine of omega naught t plus, you know, this is summation of n equal to 1 to n equal to infinity, first harmonic to infinite harmonic, 0th harmonic ko alag likh liya humne kyunki uska special meaning hai, it's a dc, then we are having a2 cosine of 2 omega t, this goes up to infinite, plus b1 sine of omega naught t plus b2 sine of 2 omega naught t, ठीक है। तो what it represents, this represents dc value, कि आपको function को design करने में dc value और average value कितना है ना। फिर ये आपको ये बता देगा कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड, ये हार्मोनिक का कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट है, ए वन यूनिट, दिस ए वन में भी 1/2, 1/3 और एनी, टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, इट्स ए टू यूनिट, फिर कोसाइन मींस ऑड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है, दैट इज
B1। तो ये आपको बताता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना है टू डिजाइन द सिग्नल। तो आप कोई से भी पीरियोडिक सिग्नल को साइन और कोसाइन की टर्म में ब्रेक कर सकते हो, बस वो पीरियोडिक होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज हाउ टू फाइंड दिस पैरामीटर्स, हाउ टू फाइंड ए नॉट एन एंड बी एन। तो लेट्स कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट करते हैं हम व्हाट इज मीनिंग ऑफ। आई कैन राइट एक्स ऑफ टी एस ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to एन इक्वल टू इंफिनिटी एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, है ना। दिस इज ओमेगा नॉट इज द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल, है ना, जो हम यूज करने वाले। सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो एक्स टी है उस एक्स टी में को इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 to t dt, एक पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 to t a नॉट इंटू डी टी एंड प्लस व्हाट इज रिमेनिंग फंक्शन। द रिमेनिंग फंक्शन वी कैन राइट समेशन एन इक्वल टू 1 to एन इक्वल टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ 0 to t एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी। सो दिस इज द पॉइंट। व्हाट आई कैन से नेक्स्ट इज जीरो टू टी एक्स टी डी टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉट इज कॉमन और डी टी का इंटीग्रल कितना टी। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा फॉर एनी पीरियड, है ना, एनी पीरियड साइन का इंटीग्रल कैसा होगा। दिस इज साइन, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो। तो कितना बचा ए नॉट, ए नॉट इज हैविंग वैल्यू 1 by t इंटीग्रल ऑफ 0 to t एक्स टी इंटू डी टी एंड दिस पॉइंट दिस इज कॉफिशियंट ए नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ डीसी वैल्यू। और एवरेज वैल्यू, एवरेज ही है ना ये, तो एवरेज वैल्यू को हमने लिख दिया एवरेज। और ध्यान रखें साइन का अगर आपने इंटीग्रल किया है तो आप बोलेंगे कि सर मान लो 2 ओमेगा t हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई एक पीरियड के अंदर तो 2 ओमेगा 2 का वैल्यू भी कितना होगा, जीरो होगा। ये देखो फंक्शन ये 2 बार आ जाएगा तब भी इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। सो 1 टाइम इंटरवल के लिए उसके सारे हार्मोनिक्स का इंटीग्रल कितना होगा, जीरो। आगे देखते हैं द वैल्यू ऑफ ए एन फॉर द सर्किट, है ना, फॉर द सीरीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, ए एन का वैल्यू देखते हैं कितना होगा। सो एक्स ऑफ टी आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ ए एन, एक्स ऑफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी
प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, है ना। सपोज दिस इज वन फंक्शन, सो हाउ वी विल डील विद दिस, कि अगर आपको ए एन का मल्टीप्लाई निकालना करना है तो क्या करें आप, एक्स टी में इस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सो दैट वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। देखिए जरा, एक्स टी इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, है ना। इंटीग्रल करें 0 to t तक इनटू dt, दिस इज इक्वलेंट टू इंटीग्रल 0 to t ए नॉट कोसाइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी, प्लस वन मोर टर्म विल बी समेशन एन इक्वल टू 1 to एन इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इज इंटीग्रल 0 to t एन इंटू कोसाइन स्क्वायर ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी, प्लस यू आर हैविंग वन मोर टर्म इंटीग्रल 0 to t बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब फिर क्या बोल सकते हैं हम, इन वन गिवन टाइम पीरियड दिस सिग्नल विल बिकम, दिस इंटीग्रल विल बिकम जीरो, दिस इंटीग्रल विल बिकम जीरो बिकॉज इट इज 1/2 साइन ऑफ 2n ωt। तो 0 to t इंटरवल के बीच में 2n ωt भी कितना हुआ, जीरो, एंड ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग नाउ, इट्स अ इंटीग्रल फ्रॉम, इट्स अ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एक्स टी इंटू कोसाइन ऑफ एन इंटू डी टी इज इक्वलेंट टू समेशन एन इक्वल टू 1 to एन इक्वल टू इनफाइनाइट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2n ωt डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। नाउ दिस इज 0 to t एक्स टी इंटू कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी, अगेन दिस इंटीग्रल विल बिकम जीरो बिकॉज कॉस ऑफ 2n ωt फ्रॉम 0 to t इंटरवेल इट्स ऑल्सो जीरो, सो वॉट इज रिमेनिंग, इट्स 1/2 डी टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा टी इंटू, जो बाहर लिया था आपने कितना, दैट फैक्टर इज an। सो हाउ यू कैन राइट an, n can be written as, n can be written like this, n is equivalent to 2/t integral of 0 to t xt into cosine of n omega t इंटू डी टी। तो जो भी आपको वेरिएबल निकालना है, सपोज ए एन निकालना है तो ए एन का कॉफिशियंट कितना हो, अगर ए एन का कॉफिशियंट है मेरे पास कॉस, तो कॉस का मल्टीप्लाई करें ना इस तरीके से। आपको एग्जाम्स में कई बार के वन के टू दे देते हैं तो आपको फॉर्मूला काम नहीं आता है ना, के वन के टू विल नॉट हेल्प इन दैट। तो आप क्या याद रखें कि सपोज मुझे साइन का कॉफिशियंट निकालना है तो साइन का मल्टीप्लाई कर दो, कोसाइन का कॉफिशियंट निकालना है तो कोसाइन का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइकवाइज वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, यू कैन से द वैल्यू ऑफ बी एन इज इक्वलेंट टू, बिल्कुल आप क्या करेंगे बी एन में, बी एन में साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 2/t
इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एक्स टी इंटू कोसा इंटू साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट, ऑफ कोर्स दिस इज ओमेगा नॉट गिवन फ्रीक्वेंसी इंटू डी टी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बी एन। यहां तक बात क्लियर है आपको? दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, कोई दिक्कत परेशानी? तो द आइडिया ऑफ फूरियर सीरीज इज नाउ इट्स क्लियर दैट यू कैन रिप्रेजेंट एनी फूरियर सीरीज इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स and those Fourier series coefficients are that those terms are components are orthogonal to each other, है ना? orthogonal वाला definition बड़ा important है। आप किन्हीं भी दो function का multiply करें इसमें these functions are orthogonal, है ना? जैसे मैंने बोला f of t, फिर से लिखता हूँ मैं Fourier series, it's a naught plus summation n equal to 1 to n equal to infinite an cosine of n omega naught t plus bn sine of n omega t। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि n का वैल्यू 1 ले लें और n का वैल्यू 2 ले लें, कुछ भी ले लें, सारे कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है? और साइन और कोसाइन तो होते ही ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने? द है ना, मतलब है ना, और मैं आपको इसको क्लियरली बता दूं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए नॉट प्लस समेशन इवन साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस ए टू कोसाइन ऑफ टू ओमेगा नॉट टी दिस गोज अप टू इंफिनिटी प्लस बी वन साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस बी टू साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी, है ना? ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। व्हाट वी आर सेइंग, एवरी कंपोनेंट, अगर इन दोनों की बात करें तो दिस कंपोनेंट विल ऑलवेज गिव्स यू ऑर्थोगोनल रिजल्ट, है ना? इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी ए नॉट इनटू ए1 कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इनटू डीटी दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 0। मैं ऐसा बोलूं 0 टू टी ए वन साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू साइन ऑफ बी टू साइन ऑफ टू ओमेगा नॉट टी दिस इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 0। आप कोई से भी दो टर्म अगर आप इसमें से पिक करेंगे और दोनों का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वो कितना आएगा? यू विल ऑलवेज गेट 0, है ना? दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ फूरियर सीरीज, ऑल दिस फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मीन्स एरिया अंडर द कर्व, प्रोडक्ट का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 0। एंड व्हाट इज 0? ए 0 इज एवरेज वैल्यू, 1 बाय टी इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एक्स टी इंटू डी टी। हाउ यू डिफाइन एन? एन में यहां कॉस है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टी को कॉस से, 0 टू टी एक्स टी इंटू साइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी एंड बी एन विल बी दिस इज 2 बाई टी, है ना? दिस इज 2 बाई टी 0 टू टी एक्स टी इंटू साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी
into dt. This is the general idea for the Fourier series. अब देखते हैं अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है और वो कुछ ऐसा करता है कि लेट से सिमेट्री इन फूरियर सीरीज है ना, कुछ कॉफिशियंट आपको कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे. सिमेट्री सिमेट्री कैसे हेल्प कर सकती है आपको कि सपोज आपका फंक्शन इवन है एक्स ऑफ टी और वन पीरियड इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी. कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन. अगर फंक्शन इवन है तो फूरियर सीरीज विल बी दिस एफ ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इनफाइनाइट. और केवल कौन टर्म आएंगी जब इवन फूरियर सीरीज है? अगर फंक्शन इवन है तो केवल इवन टर्म्स आएंगे और इवन टर्म्स साइन और कोसाइन में इवन कौन सा है? कोसाइन. सो फूरियर सीरीज विल बी एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी. ठीक है, वेयर यू कैन टेक बी एन इज इक्वल टू जीरो. बहुत बेसिक अभी सिमेट्री देख रहे हैं, फिर बात करेंगे हिडन सिमेट्री हाफ वेव सिमेट्री सभी की. तो अगर इवन सिमेट्रिक फंक्शन है तो दिस इज ट्रू. अगर कोई फंक्शन ऑड है लेट से x of minus t is equivalent to minus times of xt, then odd function में हमेशा क्या zero होगा? You can say Fourier series will be n equal to 1 to infinite only bn sin of n omega t. What is value? और इसमें कौन सा टर्म जीरो होगा? बिकॉज दिस इज ऑड फूरियर सीरीज यू कैन से द वैल्यू ऑफ ए एन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू जीरो. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये. एंड वॉट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस? दैट वैल्यू ऑफ ए जीरो इज ऑल्सो जीरो. अगर कोई फंक्शन अगर आपके पास सिमेट्रिक हुआ लाइक दिस, फंक्शन सपोज ऐसा हुआ आपके पास एवरेज निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व कितना है इसका? जीरो. सो ए जीरो इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू जीरो. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट सम फूरियर सीरीज और ना कुछ फूरियर सीरीज हम निकालते हैं एंड हाउ दिस विल हेल्प अस. सपोज आई हैव वन फंक्शन एग्जांपल नंबर वन. एक फूरियर सीरीज है मेरे पास. फंक्शन इज गिवन बाय एक्स ऑफ टी इक्विवेलेंट टू समेशन n equal to minus infinity to n equal to infinity del of t minus n t naught. This is what? This is an impulse train. This is what? This is an impulse train. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो फूरियर के एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है कुछ पॉइंट्स की. और वो पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि एक गिवन इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए, फिर कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए एक टाइम पीरियड के अंदर सिग्नल का, है ना. वो सारा कुछ जो हमने किसके लिए पढ़ा था? किसके लिए? फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए. बस वहां पीरियोडिक लगा देंगे तो वो सारे पॉइंट्स किसके लिए वैलिड हैं? दिस ऑल पॉइंट्स आर वैलिड फॉर फूरियर सीरीज ऑल्सो. अब देखें ये फंक्शन कैसा दिखता है. आई कैन से
this function will looks like this. हाँ चलो इसको मैथमेटिकली और एक्सपांड कर लेता हूं मैं. x ऑफ t, व्हाट इफ n इक्वल टू जीरो, कितना आ जाएगा ये डेल t. व्हाट इफ n इक्वल टू वन, दिस इज डेल ऑफ t माइनस t नॉट. व्हाट इफ n इक्वल टू टू, यू कैन से दिस इज डेल ऑफ t माइनस टू t नॉट. And this goes up to infinite. What if n equal to minus 1? This is del of t plus t naught. Plus n equal to minus 2. Del of t plus 2 t naught. And this is also goes up to भी कहां तक जा सकता है? Infinite तक जा सकता है. अगर मैं इसको draw करता हूं, तो कैसा दिखेगा function? In time domain, you can say the function will looks like this. इम्पल्स ट्रेन बोलते हैं या कॉम्ब फंक्शन बोलते जो बोलते हैं आप इसको. वन इम्पल्स यू आर हैविंग एट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पे एक इम्पल्स है. नाउ यू आर हैविंग वन इम्पल्स एट इक्वल टू नॉट. You are having one impulse at t equal to two t naught. This goes up to infinite. फिर आपको कुछ impulses मिलेंगी. Equal to minus t naught. Equal to माइनस ऑफ टू टी नॉट एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी. ये आपका फंक्शन है. दिस फंक्शन इज इम्पल्स ट्रेन. क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है. और इसका पीरियड कितना है? टी नॉट. तो कैन आई से दिस पॉइंट इज माइनस टी नॉट बाय टू एंड दिस पॉइंट इज टी नॉट बाय टू. इस इम्पल्स का वैल्यू कितना है? दिस इज डेल ऑफ टी. ये कौन सी इंपल्स है? डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट. व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इंपल्स? डेल ऑफ टी माइनस टू टी नॉट. है ना? तो जब भी आपको फूरियर सीरीज लिखना हो, आप क्या कर ले? किसी एक टाइम पीरियड के लिए फंक्शन को अलग कर ले, है ना, ताकि हम उसमें देख पाए कि क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है. लेट से कि एक टाइम पीरियड के बाद तो फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो आई एम सेइंग we are taking it from minus of t naught by 2 to plus t naught by 2 and in this interval you are having one impulse. This is t equal to 0. This function is डेल. अब आपको पता है कि एक टाइम इंटरवल के बीच में इसका टोटल टाइम इंटरवल कितना है? द टोटल टाइम इंटरवल इज टी नॉट. है ना, ये चीज दिमाग में रखें. टोटल टाइम इंटरवल इज टी नॉट. तो 2 पाई बाय टी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट. दिस इज वैलिड एवरीवेयर. फूरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी नॉट नहीं होता है ना, यहां होता है. वहां तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकते हैं. अब क्या बोल रहे हैं हम कि वी नो दैट डेल ऑफ माइनस टी, वी नो दैट डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वलेंट टू डेल टी. तो ये कौन सा है? इवन फंक्शन है. और इवन फंक्शन की फूरियर सीरीज कितनी होती है? एफ ऑफ टी इज इक्वलेंट टू ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इंफिनिटी ए एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी. है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मुझे वैल्यू निकालना है ए जीरो एंड ए एन की. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए जीरो? यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए जीरो इज नथिंग बट
इंटीग्रल ऑफ माइनस टी नॉट बाई टू टू प्लस टी नॉट बाई टू ना, इट्स डेल टी इंटू डी टी। और आपको पता है माइनस टी नॉट बाई टू से प्लस टी नॉट के बाई टू के बीच में एक इंपल्स लाई करता है, सो एरिया इज वन। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आप लिमिट जीरो टू टी नॉट लोगे तो, अरे भाई जिस मोमेंट पे टी नॉट आएगा उस पे लिमिट एरिया वन हो जाएगा, है ना। बीच में लेने से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लेकिन कहा टी नॉट पे हुआ तो भी एरिया वन ही आएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। इंपल्स का एरिया तो इंस्टेंटेनियसली वन हुआ है ना। नाउ वी आर हैविंग वन मोर फंक्शन ए ए ऑफ एन। ए ऑफ एन कैन बी रिटन एज टू बाई टी इंटीग्रल ऑफ माइनस टी नॉट बाई टू टू टी नॉट बाई टू, इट्स अ डेल ऑफ टी इंटू कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमको पता है कि एक्स टी इंटू डेल टी कितना होता है, ये दिस इज एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल टी। वाई? बिकॉज इंपल्स इज डिफाइंड एट टी इक्वल टू जीरो, तो प्रोडक्ट भी टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन होगा, और यहाँ टी इक्वल टू जीरो रखा तो कॉस कॉस जीरो इज इक्वलेंट टू वन, तो दिस इज टू बाई टी नॉट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टी नॉट बाई टू टू टी बाई टू, दिस इज डेल टी इंटू डी टी, और डेल टी इंटू डी टी का इंटीग्रल कितना होता है वन, सो वट इज वैल्यू ऑफ ए एन, इट्स टू बाई टी नॉट। हमने फूरियर सीरीज के दोनों कॉफिशियंट निकाल लिए हैं, एन एंड बी एन दोनों कॉफिशियंट अगर आपके पास आ गए हैं, और अगर दोनों कॉफिशियंट आपके पास हैं तो यू कैन ड्रॉ इट्स यू कैन राइट इट्स फूरियर सीरीज। कितना होगा, एक्स ऑफ टी फूरियर सीरीज इज इक्वलेंट टू ए नॉट। व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट इज नॉट में एक टर्म हम निकल लिखना भूल गए, इट्स वन बाई टी नॉट, है ना, एवरेज था ना। तो ए नॉट का यहां भी वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी वन बाई टी नॉट, तो दिस इज वन बाई टी नॉट प्लस एन, एन इज टू बाई टी नॉट। ए एन का मतलब टू बाई टी नॉट, मतलब ए वन ए टू ए थ्री ऑल आर टू बाई टी नॉट, और अंदर कितना था, समेशन ए एन कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ऑफ टू ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ऑफ टी ओमेगा नॉट टी एंड दिस गोज अप टू इनफाइनाइट। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, व्हाई यू कैन नॉट जनरेट फूरियर सीरीज इन द लेबोरेटरी, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं कि सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास लेट से 1 रेडियन पर सेकेंड है ना, ये क्या बोल रहा है कि 1 रेडियन पर सेकेंड के कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टू बाई टी नॉट। रेडियन पर सेकेंड के कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टू बाई टी नॉट। 3 रेडियन पर सेकेंड के कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टू बाई टी नॉट। इनफाइनाइट रेडियन पर सेकेंड के कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टू बाई टी नॉट। तो क्या लेबोरेटरी में आपके पास इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी के सोर्सेस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं अवेलेबल है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट जनरेट अ इंपल्स ट्रेन इन द लेबोरेटरी, है ना। बाकी कौन से फंक्शन बना सकते हो, जहां फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पे एन और बी एन का कॉफिशियंट क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे, वो सारे फंक्शन हम लेब में बना सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके, लेकिन यहां नहीं बना सकते। बिकॉज हर ये यही तो बताता है फूरियर सीरीज के, भैया 1 रेडियन पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये जो सिग्नल है ओमेगा नॉट वन लिया, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी को इस फंक्शन को डिजाइन करने में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, टू बाई टी नॉट। टी नॉट भी हो गया वन,
तो सपोज यहां लिख दिया मैंने ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, तो टू बाई टी नॉट कितना हो गया, सपोज दिस इज ऑल्सो वन, तो 1 वोल्ट, इसका भी 1 वोल्ट, इसका भी 1, टू इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी तक के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन लेफ, इसलिए ये फंक्शन कहाँ नहीं पॉसिबल है, दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी, है ना, इम्पल्स नहीं बनाई जा सकती, जैसी इम्पल्स हम बनाते हैं वैसी इम्पल्स नहीं बनती, आप सीआरओ में भी कभी देखेंगे तो इम्पल्स आपको ऐसा दिखेगा, है ना, आपको इम्पल्स फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। कभी आप देखना कि किसी डिफरेंशिएटर से किसी स्क्वायर वेव को पास करके देखना, तो आपको सीआरओ पे ऐसा इंपल्स दिखेगा, तो आप समझ रहे हैं ना कि इस इंपल्स को डिजाइन करना इज इजी बिकॉज फाइनाइट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, लेकिन सपोज इंपल्स ऐसा हो गया तो, है ना, कोई सिग्नल 0 टाइम में 0 से 5 वोल्ट सपोज जा रहा है, तो इसको डिजाइन करने में सारे फ्रिक्वेंसी का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होगा, है ना, या मैं ऐसा बोलू कि सपोज यू हैव टू ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैंने आपको बोला कि स्पीड के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, अगर ये सफर आपको 0 टाइम में ट्रेवल करना है तो इसकी स्पीड में आपको सारे कंपोनेंट मिलेंगे, है ना, 0 किलोमीटर पर आवर से इनफाइनाइट किलोमीटर पर आवर तक के, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये बात समझ में आई, दिक्कत तो नहीं, इज इट क्लियर, है ना, हम क्या करेंगे फूरियर सीरीज, है ना, कुछ कुछ हम यूज्ड टू हो जाते हैं इसको कैलकुलेट, है ना, कुछ कुछ फूरियर सीरीज हम कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज इज ऑल अबाउट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, और पहली वाली फूरियर सीरीज तो आपको याद ही हो जाए तो बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन फूरियर सीरीज ऑफ दिस कंपोनेंट, अभी हम है ना सिमेट्री की, क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज से, फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज से, वो भी हम करेंगे बट पहले आप ये देखें, है ना, जो हम कर रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माइनस टी बाय फोर, फोर टू टी बाय फोर, दिस इज टी बाय टू, दिस इज माइनस ऑफ टी बाय टू, दिस इज टी, एंड फंक्शन स्टार्ट्स कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक, दिस इज माइनस टी एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, एंड दिस वैल्यू इज ए, ठीक है, आपको निकालना है इसका फूरियर सीरीज, तो जरा एक बार ट्राई करें व्हाट इज फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन, इसको भी देखने से क्या समझ में आ रहा है कि दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो कैलकुलेट करें इसका फूरियर सीरीज कितना होगा, ठीक
चल 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 अगेन व्हाट आई कैन से, दिस फूरियर सीरीज इज इवन फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वलेंट टू एक्स टी, इवन सिमेट्रिक, एंड इफ दिस इज इवन सिमेट्रिक आई कैन से एफ ऑफ टी और एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज a zero plus summation n equal to 1 to n equal to infinite n cosine of n omega t. Kitna hoga? Now next point is, what is value of a zero? So you can say a zero is 1 by t into integration of एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व कितना है? माइनस टी बाई टू से ये एरिया है जीरो, ये एरिया है जीरो, और यहाँ का एरिया कितना हुआ? हाइट इज ए एंड विड्थ इज टी बाई टू, सो ए इनटू टी डिवाइडेड बाय टू. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए नॉट? वैल्यू ऑफ ए नॉट इज ए बाय टू. ए नॉट का वैल्यू कितना होगा? ए नॉट का वैल्यू होगा ए बाय टू. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ, है ना, देखो एक पीरियड के लिए फंक्शन को अलग कर लो आप. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस. माइनस ऑफ टी बाय फोर, टी बाय टू, माइनस ऑफ टी बाय फोर माइनस टी बाय टू. Okay.
माइनस ऑफ टी बाई टू, माइनस ऑफ टी बाई फोर, दिस इज टी बाई फोर एंड दिस इज टी बाई टू। एक टाइम पीरियड के लिए अगर आपने फंक्शन को अलग कर लिया है एंड एम्पलीट्यूड इज ए, ठीक है बन जाएगी बात। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एन, यू कैन से ए ऑफ एन इज इक्वल टू टू बाई टी इंटीग्रल ऑफ माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू, लेकिन लिमिट हो जाएगी माइनस टी बाई फोर टू प्लस टी बाई फोर। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इन बिटवीन दिस इंटीग्रल इज जीरो फ्रॉम इन दिस इंटरवेल एंड जीरो इन दिस इंटरवेल, तो केवल यही आएगा। इस इंटरवेल में फंक्शन का वैल्यू है ए, ए कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये वैल्यू है ए एन का। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन आई से, और ओमेगा यहाँ पीरियोडिक है ना, यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टी, है ना, यहाँ टी दिया है तो हमने टी ले लिया। So, a of n can be written as 2 pi by t into a, an integral of cosine omega t. It's a cosine integral का integral कितना, sine of n omega t divided by n omega, where t varies from minus of t by 4 to t by 4. अच्छा, यहां बाकी सब चीजें कर ही सकते हैं आप, मैं बताता हूं कैसे। सो व्हाट आई कैन से, दिस वैल्यू एन इंटू ओमेगा इंटू टी कैन बी रिटन एस एन इंटू टू पाई इंटू टी, स्मॉल टी है, एन इंटू टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी का वैल्यू अगर आपने टी बाय फोर रखा है, टी एन टी कैंसिल, कितना बचेगा एन पाई बाई टू। कैन आई से ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एन इंटू ओमेगा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय एन ओमेगा टी का वैल्यू होता है एन पाई बाई टू, तो एन पाई बाई टू माइनस माइनस ऑफ एन पाई बाई टू इज टू टाइम्स ऑफ साइन एन पाई बाय, इतना। अच्छा, ओमेगा इंटू टी का प्रोडक्ट कितना होता है, यहां से देखें, ओमेगा इंटू टी प्रोडक्ट इज टू पाई, तो यहां लिख दें ए एन इज इक्वल टू टू ए बाय टू पाई, यानी ए बाय एन पाई, और एक दो बाहर से लिया तो ये टू ए बाय एन पाई साइन ऑफ एन पाई बाय टू, यही वैल्यू होगी। अब बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बड़ी आसानी से हम ए एन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखें कि व्हाट इज ए एन। सो यू कैन ड्रॉ, यू कैन हैव ए एन लाइक दिस। थोड़ा सा हम तरीका सीख लें इसको बनाने का, थोड़ा यूज्ड टू हो जाएं, है ना। ऑफ कोर्स एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपसे दे विल आस्क यू। ऐसा फंक्शन है, देखो n का वैल्यू अगर आपने लिया ना, n के बारे में हम बात कर लेते हैं कि दिस इज पाई बाई टू, दिस इज टी पाई बाई टू, है ना। तो कैसे है, लेट से n, n जब n का वैल्यू हो, n इज इक्वल टू जीरो व्हेन n इज इक्वल टू टू फोर सिक्स, एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, है ना। तो एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा जब एन इवन नंबर हो, क्यों, क्योंकि अगर एन इवन हुआ तो इट्स टू पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, इट्स साइन टू पाई फोर पाई, और साइन पाई टू पाई फोर पाई पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा एन इक्वल टू जीरो पे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एन इक्वल टू जीरो का मामला पहले ही कर चुके हैं हम। यहां से भी कर सकते हो, एन इक्वल टू जीरो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनेगा, तो यू कैन सॉल्व, बट ओके वी डोंट नीड इट। What is the value of an when n is equivalent to one? देखो, one पे कौन सा एंगल बनता है, पाई बाई टू।
के बाद कौन सा आना चाहिए? थ्री, हम लेंगे फाइव, कि देखो अगर यहाँ फाइव आता है, यहाँ अगर फाइव आता है तो यू कैन से दिस इज अगेन, अगर यहाँ फाइव आता है तो कितना होगा? पॉजिटिव वन। वन फाइव सेवन के बाद नाइन, इन सभी के लिए वैल्यू कितना होगा? वन। तो ये हो जाएगा टू ए बाय एन पाई, और जब एन इक्वल टू हो आपका थ्री सेवन, तब ए एन का वैल्यू कितना होगा? माइनस टू ए बाय एन पाई। ये हमारा फूरियर सीरीज है, लिख लेते हैं। एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एस ए जीरो विच इज ए नॉट बाई टू प्लस ए वन। वॉट इज ए वन? ए वन का वैल्यू आ जाएगा टू ए बाय पाई कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ए टू। ए टू इज जीरो, देन वी आर हैविंग ए थ्री, और ए थ्री में वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव। कैन आई से दिस वैल्यू विल बी माइनस ऑफ टू ए बाय थ्री पाई कॉस ऑफ थ्री ओमेगा नॉट प्लस कितना आ जाएगा? फाइव। फाइव पे वैल्यू पॉजिटिव, सो टू ए बाय फाइव पाई साइन ऑफ फाइव, सॉरी नॉट साइन, इट्स अ कोसाइन, कोसाइन ऑफ फाइव ओमेगा टी, है ना? ये भी ओमेगा नॉट नहीं था, ठीक है? ऑफ कोर्स ओमेगा इज पीरियोडिक। फिर कितना आ जाएगा? माइनस टू ए बाय सेवन पाई कॉस ऑफ सेवन ओमेगा टी। थोड़ा और आगे लाते हैं इसको। सो यू कैन टेक एफ ऑफ टी इज इक्वलेंट टू ए नॉट बाई टू प्लस टू ए बाय पाई इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस वन बाय थ्री कोसाइन ऑफ थ्री ओमेगा टी प्लस वन बाय फाइव कोसाइन ऑफ फाइव ओमेगा टी एंड सो ऑन। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। अच्छा, यहां एक और बात आप समझें कि यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं कि फंक्शन कौन सा है ये? कॉस मींस इवन फंक्शन, है ना? फंक्शन इज इवन, जो सारे कंपोनेंट है इवन फंक्शन। लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वन थ्री फाइव, है ना? ऑड हार्मोनिक्स। एंड देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ फंक्शन हैविंग ओनली ऑड हार्मोनिक्स। वो कैसे पता लगेगा? उसके बारे में हम बात करते हैं। सो दिस इज द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिग्नल। यहाँ आप सब कुछ बना सकते हैं। कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाओ, तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? ओमेगा इक्वल टू जीरो फ्रिक्वेंसी का कॉन्ट्रीब्यूशन, वन का कॉन्ट्रीब्यूशन, टू थ्री फाइव का कॉन्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास, सपोज द फंक्शन इज दिस, जिसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज निकालना था। वो फंक्शन कैसा था? शायद ये आपकी कुछ हेल्प कर पाए, है ना? दिस इज माइनस टी बाय फोर, टी बाय टू माइनस टी बाय टू, टी बाय फोर, दिस इज टी बाय फोर एंड दिस इज टी बाई टू। ओके, तो आई से दिस इज टू ए बाय एन पाई साइन ऑफ एन पाई बाई टू। ठीक है, क्या किया जाए? व्हाट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन? तो आप बोलेंगे दिस इज ए इंटू टी डिवाइडेड बाय टू, बाहर एरिया लिखते हैं इसका, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी बाय फोर डिवाइडेड बाय
ओमेगा टी बाय फोर, एन पाई बाय टू इक्वल टू ओमेगा टी बाय फोर. सो दिस इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा. दिस इज कैंसल. ओके इसके बारे में एक आध कॉन्सेप्ट और पढ़ के फिर आते हैं ना. मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ कि है ना, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस डायरेक्टली, है ना. वी विल कम टू दैट पॉइंट, है ना. एक आध कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि ये जो पॉइंट लिखा है ना आपने, यू कैन राइट दिस पॉइंट डायरेक्टली, है ना. ये ए एन का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, उसका तरीका मैं बताता हूँ. बट पहले आप कुछ और क्वेश्चन कर लें उसके बाद. इस पॉइंट तक क्लियर है आपको? अच्छा, यहाँ क्या ये लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है, पार्टिसिपेशन मैग्नीट्यूड में कम होने लगता है ना. कि ओमेगा इक्वल टू थ्री, सपोज ओमेगा इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड है, तो वन रेडियन पर सेकेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? वन यूनिट. थ्री रेडियन का कितना है? वन बाय थ्री यूनिट. फाइव का कितना है? वन बाय फाइव. सेवन का कितना होगा? वन बाय सेवन, है ना. तो 1 के कंपैरिजन में 10th का कंट्रीब्यूशन 0.1 ही है. मतलब यू कैन नेगलेक्ट 11th 12th 13th कंपोनेंट. तो जहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ एम्पलीट्यूड कम होने लगे, यू कैन डिजाइन दैट फंक्शन इन द लेबोरेटरी. आगे आते हैं एंड लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फूरियर सीरीज. अभी कुछ फूरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फूरियर सीरीज इज दिस. आप कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे. ना ये कोई फंक्शन है, एब्सोल्युटली पीरियोडिक फंक्शन, और कुछ ऐसा दिया है. ये कोई फंक्शन है, मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूं. दिस पॉइंट इज माइनस टी बाय फोर, दिस पॉइंट इज टी बाय फोर, दिस पॉइंट इज माइनस प्लस टी बाय टू, दिस पॉइंट इज माइनस ऑफ टी बाय टू. This is x of t. आपको x of t का फूरियर सीरीज लिखना है. बताएं जरा जल्दी कैसे बनेगा. Write the फूरियर सीरीज फॉर x of t.
2 प्लस ओके हाँ करो इसको कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू
वेरी गुड। कितना होगा? इट्स ए। नो आकाश, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखो है ना, हाउ वी विल गो फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखें। मैं आपको और सारे बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं, बट फर्स्ट सी दिस। What you can, what is the advantage of being in time domain? Time domain में होने का क्या advantage है, जरा उसको देखते हैं। What I am saying कि suppose one function is which is available to us is this। एक function है मेरे पास ऐसा, and okay। This is function, this is minus of, this is t by 4, this is t by 2, this is minus t by 4, na? Its amplitude kitna hai? The amplitude of this function is a. Iska Fourier series kitna aaya tha? Fourier series is having a by 2 plus 2a by pi cosine of omega naught t minus 1 by 3 cosine of 3 omega naught t, इस टाइप से कुछ फूरियर सीरीज का आया था। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस फंक्शन में से है ना, ये जो फंक्शन है दिस इज t by 4, दिस इज t by 2, दिस इज minus t by 4 एंड दिस इज माइनस टी बाई टू। क्या करें आप इसमें से माइनस करें, टाइम डोमेन अप्रोच है ना, तो जैसा फंक्शन में करते जाएंगे वैसा फूरियर सीरीज में भी करते जाएंगे। तो क्या कर दिया जाए कि इसमें से ए बाई टू माइनस कर दिया जाए, तो लेट से इसमें से कितना कर दिया जाए, a बाई टू माइनस कर दिया जाए। इसमें से a बाई टू अगर आपने माइनस किया तो क्या होगा, द रिजल्टेंट फंक्शन विल बी दिस। जो a पे था वो कहां आ जाएगा, जो a पे था वो आ जाएगा a बाई टू पे, और जो जीरो पे था वो चला जाएगा माइनस a बाई टू पे। ऐसा फंक्शन बनेगा, और ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा a बाई टू, और ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस ऑफ a बाई टू। लेकिन हमारा काम बन गया, हमको यही तो फंक्शन चाहिए था, यही तो चाहिए था, मैंने एक पीरियड के लिए बनाया। आप है ना, इसको एक्सपांड कर दोगे तो सेम फंक्शन मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपने यहां किया है उसको यहां भी कर दें। यहां क्या किया है, पहले आपके पास फंक्शन एफ टी था है ना, लेट से ये फंक्शन जो है नया, इसको मैंने एफ टी मान लिया, इसमें से ए बाई टू माइनस किया, और क्या किया फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए टू ए चला जाएगा।
इस फंक्शन का फूरियर सीरीज लिखने का भी एक ही तरीका है क्या? सबसे पहले a बाय टू माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा जीरो, और टू से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा फोर ए बाय पाए. तो व्हाट इज द फूरियर सीरीज? फोर ए बाय पाए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस वन बाय थ्री कोसाइन ऑफ थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाय फाइव कोसाइन ऑफ फाइव ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन. क्लियर है ये? इज इट क्लियर? यस. मैं और आपको तरीके बताता हूं हाउ यू कैलकुलेट द फूरियर सीरीज बाय लुकिंग एट द फंक्शन, है ना? और देखते हैं हम. लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस स्लाइड, है ना? जो पहला फंक्शन लिखा था वो मेरे पास कुछ ऐसा था, है ना? मुझे इसका फूरियर सीरीज लिखना है. कैसे करेंगे? लेट्स सी. सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन. सपोज दिस इज वन फंक्शन जो हमने पहला लिया था, पहला ही एग्जांपल लिख रहा हूं. हाउ वी कैन राइट फूरियर सीरीज बाय लुकिंग एट द फंक्शन. दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ, ओके, दिस इज माइनस ऑफ टी बाय टू माइनस ऑफ टी बाय फोर, दिस इज टी बाय फोर, दिस इज टी बाय टू, है ना? एक टाइम इंटरवल के लिए मैंने फंक्शन लिख लिया एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ए एंड फंक्शन लुक्स लाइक दिस. ये मेरा एक टाइम इंटरवल के लिए फंक्शन है. सबसे पहले तो ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन. अगर ये आपको पता लग जाए कि ये इवन फंक्शन है तो बड़ा आसान है कि फूरियर सीरीज में कौन कौन सी टर्म होगी. ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वलेंट टू वन टू इनफाइनाइट एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा टी. अब मैं क्या बोल रहा हूं? ए जीरो कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है. ए जीरो कैलकुलेट कैसे किया आपने? कि एरिया अंडर द कर्व निकाला, वो कितना था? ए इंटू टी डिवाइडेड बाय टू, और डिवाइड बाय टी कर दिया तो ये आ गया आपके पास ए का वैल्यू विच इज ए बाय टू. कोई परेशानी नहीं. अब मैं बोल रहा हूं कि ए एन निकालना है ना. एन निकालने के लिए क्या करें आप, है ना? अरे ये कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें. तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप. फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? बाहर लिखना होता है एरिया अंडर द कर्व विच इज 80 डिवाइडेड बाय 2, और अंदर लिखना होता है साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा टी बाय 4. करेक्ट, ये आपने निकाल लिया. और दिस होल ड्रामा इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 बाय पाई, 2 बाय टी, है ना? बाहर का 2 बाय टी नहीं भूल रहा, ये तो हमने इंटीग्रल कैलकुलेट किया. अब क्या करें? दिस टू एंड टू कैंसिल, टी एंड टी कैंसिल. अब एक रिप्लेसमेंट क्या करना है कि जो t था उसको n इंटू टी से रिप्लेस करना है. That's it. है ना? जो t है उसको किससे रिप्लेस करोगे? n इंटू टी से रिप्लेस करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. कैसे? जरा देखें. n इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू n इंटू टी डिवाइडेड बाय 4, और यहां कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू एन इंटू टी डिवाइडेड बाय 4. अब आपको पता है ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा टी होता है 2 पाई. ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाय टी. तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना हुआ? 2 पाई. ये आंसर आ गया हमारे पास. कितना? आई कैन राइट दिस इज ए इंटू, दिस इज साइन ऑफ, कितना हो जाएगा? ओमेगा टी इज 2 पाई, सो एन पाई बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा? एन पाई बाय 2. ये 2 ऊपर गया तो कितना? 2 ए बाय एन पाई इंटू साइन ऑफ एन पाई बाय 2. देखो पिछला वाला आंसर यही आ रहा था. दिस इज एन पाई बाय. समझ में आया क्या? क्या करना है आपको? जस्ट रिप्लेस दिस.
जस्ट रिप्लेस दिस, आपको कभी कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जनरली आपके अगर सिग्नल एंड सिस्टम में बात की जाए तो फंक्शन ऐसे ही होते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, और दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है। जी बोलिए, ये बात क्लियर हुई? यस, क्या करेंगे आप, टी को एन इंटू टी से रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट द फूरियर कॉफिशियंट, है ना। अब किसी का भी अगर आपसे पूछा जाए तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे, अब कैलकुलेशन आपके पास इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। चलो तो कह रहे हैं यहां तक कोई परेशानी नहीं। लेट्स टेक वन मोर फंक्शन, एक फंक्शन और लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द फूरियर सीरीज फॉर दैट फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन। ओके, दिस इज वन फंक्शन हैविंग दिस, ठीक है, दिस वैल्यू इज -t/2 एंड दिस वैल्यू इज t/2। कैलकुलेट, इट्स अ फूरियर सीरीज, कितना होगा इसका फूरियर सीरीज, और ऊपर ले ले वैल्यू a, दिस वैल्यू इज a।
सर एन का वैल्यू 0 आ सकता है क्या? एम का वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? देखो जरा, व्हाट इज एन? एन इज एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या? इसका एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव है क्या कहीं पे भी? नहीं, नहीं सो इट्स सर, 1/2 बेस, बेस इज टी हाइट, 1/2 बेस हाइट इनटू इज हाइट स्पेस। डिवाइडेड बाय टी ए बाय टू। जीरो नहीं आएगा। इट्स ए बाय टू, ए नॉट इक्वल टू, सर ए एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू ए एन का वैल्यू 0 कैसे आएगा? ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में तो इवन टर्म होगी। बी एन का वैल्यू 0 आएगा। ओके सर।
चलो है ना, हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। द आइडिया इज टू हाउ टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। आप जो कैलकुलेशन करते हैं उसको करके तो किया ही जा सकता है, बट हाउ वी विल रिड्यूस द कैलकुलेशन बाय यूजिंग दिस। लेट से दिस इज माय सिग्नल फॉर वन टाइम पीरियड, है ना, कितनी आसानी से हम इसका आंसर ला सकते हैं। दिस इज माइनस टी बाई टू, दिस इज टी बाई टू एंड दिस इज ए। ये था ए, जीरो का वैल्यू तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। इट इज वन बाई टू बेस इंटू हाइट, और वन बाई टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टाइम इज वॉट, इट्स अ फाइन, इट्स अ ए बाई टू। ए जीरो का तो क्लियर है। अब निकालना है, ये इवन फंक्शन है तो ए एन का वैल्यू निकालना है। अब ए एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या आइडिया है कि फॉर्मूले में बाहर आता है टू बाई टी, तो सबसे पहले आप टू बाई टी लिख दें और अंदर इसका लिख दें फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, बाहर लिखते हैं एरिया, सो एरिया इज वॉट ए इंटू टी, वन बाई टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टू, है ना, वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो वन बाई टू बेस कितना है टी, हाइट कितना है ए, तो इसका एरिया हुआ ये, और अंदर कितना लिखते हैं हम साइन ऑफ जो भी ये कट ऑफ है इसका आधा, है ना, ट्रायंगुलर पल्स के लिए बताया है आपको ओमेगा टी बाय फोर, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, और टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन इंटू टी से रिप्लेस कर देंगे। आ गया आंसर एन इक्वल टू, टू से टू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, हटाओ इसको, कितना बचा ए, और बचे हुए फंक्शन में कितना लिख देंगे साइन ऑफ ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय फोर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा होता है टू पाई बाय टी, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना टू पाई, तो ए एन का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट ए इंटू ओमेगा एन टी बाय फोर, ओमेगा टी का वैल्यू टू पाई है ना इंटू एन, तो ये इंटू एन बाय फोर कर दिया, फोर कर दिया तो कितना आ गया एन पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एन पाई बाय टू, और यहां कितना आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, तो एन का वैल्यू डायरेक्ट आ गया आपके पास फोर ए डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एन पाई बाय टू, रख दो फूरियर सीरीज में एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, डायरेक्ट आंसर। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं शायद उस कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या? अब इसकी फूरियर सीरीज कितनी आ जाएगी, चलो देखते हैं व्हाट विल बी द फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज विल बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए वन, ए वन इज फोर ए डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ये वैल्यू तो होता है वन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए टू, ए टू का वैल्यू जीरो बिकॉज साइन एन पाई इज जीरो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए थ्री, इट इज फोर ए बाय नाइन पाई स्क्वायर इंटू वन। वॉट इज ए फाइव, इट्स फोर ए बाय 25 पाई स्क्वायर, और लिख दो इसका फूरियर सीरीज डायरेक्टली, तो यू कैन यूज दिस डायरेक्टली, है ना, हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो वी कैन राइट इट इज ए बाय टू प्लस फोर ए बाय पाई स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ऑफ थ्री ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय नाइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ फाइव ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन। नहीं तो अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जाओगे तो इट्स इट्स लेंथी कैलकुलेशन, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकता बट इट्स लेंथी कैलकुलेशन, बिना मतलब का कैलकुलेशन है। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? और ऐसे आप है ना, आप जितने भी फूरियर सीरीज पूछे जाते हैं उन सभी के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है ना। इज इट क्लियर?
सर वो ट्रायंगुलर फंक्शन था जिसकी वजह से अपने को स्क्वायर करना पड़ा था ना। हाँ ये तो हमने पढ़ा है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म यस में, सर, यस सर, ठीक है ना, आसान तरीका है ये। यस सर, ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, और आप कोशिश करेंगे कल में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर। चलो तो आप कुछ फूरियर सीरीज ट्राई करें। अभी मैंने फूरियर सीरीज की आपको एक भी प्रॉपर्टी नहीं बताई है, जैसा फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, फूरियर सीरीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टी की हम कल बात करेंगे, एंड विल स्टार्ट फूरियर सीरीज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज फ्रॉम टुमारो, है ना? ठीक है, इज इट ओके? चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, है ना? ह्यूमिलिन।